हर दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, इसका नाम है अपना सपना मनी मनी। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक और अर्निंग एप्लीकेशन का रिव्यू, और जिस एप्लीकेशन का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि वो एकदम जेन्यून अर्निंग एप्लीकेशन होने वाली है और ये रियल और ट्रस्टेड अर्निंग एप्लीकेशन है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को जो नाम है वो आपका हो जाता है नेचुरल थिंग्स, ठीक है। इसका आइकन कुछ इस प्रकार का है, ये आपको आसानी से प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आप प्ले स्टोर पर इसको सर्च नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं मिल पा रहा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अर्निंग करनी होगी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको साइनअप करना पड़ेगा, और साइनअप का सिंपल सा प्रोसीजर होता है, अपना नेम देना है, अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। और कैप्चा कोड इसमें कुछ नहीं मांगता है, अपना नाम डाल दो, अपना पासवर्ड डाल दो, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, बस बात खत्म। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पासवर्ड होता है वो आप अपना मोबाइल नंबर ही डालिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सिंपल से छोटा सा पासवर्ड, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। छोटे छोटे जो एक दो डिजिट के होते हैं या तीन डिजिट के पासवर्ड होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है तो अपना मोबाइल नंबर जो भी हो वो आप अपना पासवर्ड उसको दे दो, ठीक है। उसके हिसाब से वो आपको लॉगिन या साइनअप में आगे बढ़ा देगा, यानी कि साइनअप आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइनअप होने के बाद आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के अर्निंग फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल मेनली दो प्रकार के अर्निंग फीचर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। पहला होता है टास्क कंप्लीट करके, जो कि होता है टुडे वर्क, ठीक है। दूसरा होता है ग्रुप बना के, यानी कि अपना खुद का एक नेटवर्क बना के, ठीक है, उससे आप अर्निंग कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं पहले तो कंप्लीट टुडे वर्क, यानी कि सेल्फ अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कंप्लीट टुडे वर्क दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं टोटल 17 इम्प्रेशन और दो ऐप, ठीक है। और यहाँ पर आपको 17 के 17 इम्प्रेशन क्लिक करने होंगे। 17 इम्प्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल ऐड है वो आपको 17 दिए जाते हैं, और मैक्सिमम हर एक ऐड पर आपको एक टाइम लिमिट दे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सक्सेस इम्प्रेशन पे, ठीक है। जैसे हम लोग सक्सेस इम्प्रेशन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इम्प्रेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे वो इम्प्रेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एक टाइमर लिख के आता है, ठीक है। तो उतने टाइम तक आपको रुकना ही पड़ेगा, और जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आपका वो इम्प्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 17 इम्प्रेशन थे और मेरे 8 इम्प्रेशन सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक इम्प्रेशन इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उसने नीचे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा था कि इंस्टॉल करो ऐड को, ठीक है, और मैंने इंस्टॉल नहीं किया, इसीलिए मेरा इम्प्रेशन आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको करना क्या होता है, इसके बाद आपको दो ऐप इंस्टॉल कर लेने होते हैं। जैसे आप पूरे दो ऐप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो टास्क होता है एक दिन का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपकी अर्निंग जितनी भी होगी वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र करी जाती है। अगर आप आधा काम करते हो और आधा काम करने के बाद आप सोचते हो कि आपके वॉलेट में आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा काम आपको करना पड़ेगा, 17 इंप्रेशन, तो 17 इंप्रेशन यानी कि 17 ऐड आपको देखना होगा, दो ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र करा जाएगा जितना भी आपने अर्निंग करी होगी, ठीक है। तो जितना भी आपने अर्निंग करी होगी फिर वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वॉलेट में ट्रांसफ़र होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से रिडीम भी करा सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ दूसरा टाइप ऑफ, सेकंड टाइप ऑफ वर्किंग क्या होता है। सेकंड टाइप ऑफ अर्निंग मेथड होता है आप नेटवर्क बना के अर्निंग। जो नेटवर्क का अर्निंग होता है उसमें से अगर कोई भी आपका दोस्त है, ठीक है, वो अगर सेल्फ अर्निंग कर रहा है तो उसका आपको 10% तक का अर्निंग दिया जाता है, ठीक है, और उससे आपको अर्निंग हो जाती है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि विड्रॉल कैसे कराएं और विड्रॉल लिमिट क्या होती है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो विड्रॉल आसानी से आप पेटीएम में करवा सकते हो, ठीक है, और विड्रॉल की जो लिमिट होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 1 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो विड्रॉल की लिमिट है, ठीक है, वो 1 रुपये है, और 1 रुपये होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आसानी से विड्रॉ करा सकते हो। और यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि जब आप विड्रॉ कराओ, ठीक है, तो एक दिन में आप एक ही बार विड्रॉ करा सकते हो। डेली विड्रॉल ओनली वन टाइम इफ यू टाइम यू कैन नॉट रिसीव, ठीक है। तो एक दिन में आप केवल एक ही बार विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है, और वो एक ही बार ही वो
आएगा पेटीएम में, ठीक है। अगर आप बार बार, यानी कि आपने पहले 10 रुपये विड्रॉ कराया, फिर 20 रुपये ऐसे करा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका विड्रॉ एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, फिर वो आपको अलग अलग दिन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे बेल आइकन दबाना दीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे सायोनारा।